नमस्कार, मेरा नाम कोपल हालन है और आप देख रहे हैं सी लॉर्ड न्यूज। जानते हैं क्या है आज की ताज़ा खबरें। भारत में कोरोना का नहीं थम रहा कहर, 24 घंटों में देश में 871 लोगों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना की रफ्तार फिर बेकाबू हो चली है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 235,532 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौत के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। इस महामारी की चपेट में आने से 871 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल देश में पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। कर्नाटक कोरोना का नया एपिसेंटर बना हुआ है, जहां हर रोज 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पर ओमिक्रॉन का खतरा कम है। आंकड़े बताते हैं कि कर्नाटक में मामले जरूर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन उनका कारण ओमिक्रॉन ना होकर डेल्टा वेरियंट ही है, जिस वेरिएंट ने देश में कोरोना की भयंकर दूसरी लहर ला दी थी। कर्नाटक में अभी भी वही वेरिएंट ज्यादा सक्रिय चल रहा है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के ट्रायल के लिए मिली मंजूरी। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण काफी तेजी से चल रहा है। इस बीच भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। इसका ट्रायल पूरे देश में किया जाएगा। नेजल वैक्सीन यानी नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन। अगर ट्रायल में वैक्सीन असरदार साबित हुई तो इसका इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर किया जाएगा। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सबकी चिंता बढ़ा रखी है। कुछ दिनों से मामलों में गिरावट देखी तो गई है, लेकिन स्थिति अब भी चिंताजनक है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति केरल और महाराष्ट्र में बनी हुई है। केरल में बीते 24 घंटों में 54,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है। आइए जानते हैं देश के कुछ राज्यों में क्या है कोरोना का हाल। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 444 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8,042 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 25 लोगों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24,948 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 45,648 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि इस बीच 103 मरीज की मौत हो गई है। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54,537 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 30,225 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं 13 मरीजों की मौत हो गई है। धन्यवाद।